नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी और मेरे साथ मौजूद हैं प्रीतम सिंह लखवाल जी। आज हम बात करेंगे पिछले साल घटी घटनाओं की। पिछला साल हालांकि काफ़ी कठिन रहा है, उसके अलावा भी कोरोना के अलावा भी पिछले साल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका उल्लेख करना यहाँ पर ज़रूरी है। मैं प्रीतम सिंह लखवाल जी से चाहूँगा कि पिछले साल हुई घटनाओं के बारे में थोड़ी जानकारी दें ताकि हम उसके ऊपर विस्तृत चर्चा कर सकें। जी बिल्कुल आसिफ जी, मैं 2020 में हुई घटनाओं के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। साल की शुरुआत बहुत अच्छी रही, लेकिन जनवरी की 16 तारीख को खंडवा में 4.5 करोड़ की लागत से बन रहे स्विमिंग पूल का ट्रस गिर गया था। इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। स्विमिंग पूल खंडवा की बहुत पुरानी मांग है। इसको लेकर के जो तत्कालीन कलेक्टर थे कविंद्र कियावत जी, उन्होंने जन भागीदारी से स्विमिंग पूल बनाने का संकल्प लिया था खंडवा में। इसके लिए शहर के जो उद्योगपति हैं, जो व्यापारिक घराने हैं, जो सामाजिक लोग हैं, उनसे चंदा भी किया गया था और करीब 1.5 करोड़ रुपये की लागत से ये स्विमिंग पूल बनना था। हालाँकि इस बात को अब 5 साल हो चुके हैं, 5 साल बाद भी अब तक के वो तैयार नहीं हुआ है और उसकी लागत करीब 4.5 करोड़ पहुंच चुकी है। जी, ये ट्रस्ट गिरा था उस समय क्या क्या वजह रही थी उसकी? असल में उसका जो निर्माण का कार्य था उसके अंदर कुछ खामी रही थी और जो उन्होंने छत बनाई थी उसको ट्रस्ट कहते हैं और वो अचानक गिर पड़ा था, निर्माणाधीन था, उसी दौरान गिरा था वो। जी जी, अब मैं आपका ध्यान दूसरी घटना की ओर ले जाना चाहूँगा। घटना नहीं, इसको एक ये कहेंगे कि एक ऐसा कार्य था जिसमें मशहूर फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान को किशोर कुमार के नाम से जो सम्मान है वो दिया जाना था। कोरोना काल था इस? नहीं, कोरोना काल तब शुरू नहीं हुआ था। किशोर उनको घर पर जाकर ये सम्मान दिया गया था, किशोर अलंकरण सम्मान था और 4 अगस्त को ये हर साल खंडवा से दिया जाता है। इस बार वहीदा रहमान को ये सम्मान दिया गया था लेकिन अस्वस्थता के चलते वे खंडवा नहीं आ पाई थी। तो खंडवा में तो एक सादा समारोह ही गया था लेकिन उसके बाद में राज्य शासन ने जो यहाँ की स्थानीय समिति उसके साथ मिलकर जाकर बॉम्बे में वहीदा रहमान जी को यह सम्मान सौंपा था। 4 फरवरी को ऐसा पहले भी हो चुका है, पहले भी कई ऐसे सम्मानित व्यक्ति हैं जिन्हें उनके घर जाकर के सम्मानित किया जा चुका है। जी चलिए, फरवरी का महीना तो ठीक ठाक गुजर गया था लेकिन मार्च आते आते कोरोना का जो प्रकोप है वो बढ़ गया था। हाँ, और 31 मार्च को निमाड़ का पहला कोरोना मरीज खरगोन जिले में मिला था, खरगोन में मिला था। कोरोना की शुरुआत अगर निमाड़ में देखा जाए तो खरगोन से ही हुई थी और खरगोन में आज भी सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। खरगोन के बाद नंबर आ रहा था खंडवा का, लेकिन खंडवा धीरे धीरे स्थिति सुधरती गई, दूसरे नंबर पर बड़वानी आ गया। बड़वानी के बाद बीच में बुरहानपुर में एक दौर आया था ऐसा कि वहाँ से बहुत सारे पॉजिटिव मरीज निकले थे, लेकिन बाद में जो कलेक्टर है, कलेक्टर वहाँ पर बदले गए, उन कलेक्टर ने महाराष्ट्र की सीमा को प्रतिबंधित किया, लंबे समय तक के मतलब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच आवागमन बंद रखा गया बाय रोड। उसके बाद से वहाँ पर हालत ठीक हुए, आज बुरहानपुर 14 नंबर पर है कोरोना संक्रमितों के मामले में। तो लगातार मतलब कोरोना का संक्रमण यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हालांकि सभी जगह संक्रमित आ रहे हैं लेकिन अब उसकी संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे पिछले एक सप्ताह से खंडवा में ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर 5 से 10 मरीजों के बीच ही संक्रमित आ रहे हैं। तो प्रभाव घटा है? प्रभाव बीच में घटा था, फिर बढ़ा, फिर घटा है। अब चूंकि मौसम फिर बदल रहा है, नया कोरोना दस्तक दे रहा है, ईश्वर से सभी की प्रार्थना ये है कि नया कोरोना हमारे यहाँ जो नया स्ट्रेन आया है वो यहाँ ना आ पाए। अच्छा, 8 अप्रैल को खंडवा में कोरोना का पहला संक्रमित पाया गया था? खंडवा में पहला संक्रमित 8 अप्रैल को निकला था और ये हजरत खानशावली क्षेत्र का था, नागचंद रोड से। हालांकि ये जो संक्रमित मिले थे इनके पिताजी कुछ दिनों पहले उमरा से होकर के आए थे और संभवतः उन्हीं की वजह से उनके बेटे में ये संक्रमण आया था। हालांकि बहुत जल्दी वो रिकवर भी हुए और वहाँ पर बाकी चीज़ें स्थिति सामान्य हो गई।
इसी दौरान फिर यहाँ शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। शहर में कर्फ्यू लगाया गया था, बहुत सारे इलाकों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया था। जिन क्षेत्रों को कंटेनमेंट इलाका बनाया गया था वहाँ से आना जाना पूरी तरह प्रतिबंधित था। वहाँ पर सिर्फ नगर निगम और स्वास्थ्य के कर्मचारी ही आना जाना कर सकते थे। तो लंबे समय तक लॉकडाउन और कंटेनमेंट क्षेत्र की विभीषिका शहर ने झेली है। कोरोना काल के संकट के दौर में जो बाजार बंद रहे थे वो करीब 21 मई को 60 दिन के बाद में खुले थे। खंडवा में 60 दिन बाद खोले गए थे बाजार। और इस बीच में हालांकि छोटी दुकानों से प्रशासन ने एक सूची जारी कर दी थी, उन्होंने कुछ दुकानदारों को ये अनुमति दी थी कि वे ज़रूरी सामान बेच सकते हैं। उसके लिए कुछ समय के लिए छूट भी दी जाती थी कि आप जाकर के सामान खरीद के ला सकते हैं। होम डिलीवरी की सुविधा भी दे रखी थी। हालांकि व्यापार पर इससे बहुत फर्क पड़ा है और लोगों के रोजगार पर भी काफ़ी फर्क पड़ा था। अब वैसे देखा जाए तो कोरोना का संकट काल तो चल ही रहा था उसी दौरान, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं भी जिले में रही हैं। जैसे ही एक 4 जून को बुरहानपुर में निसर्ग तूफान से काफ़ी तबाही हुई थी, इलाकों में पानी भर गया था। निसर्ग तूफान तो पूरे देश भर में ही था, लेकिन उसका एक चक्रवात हमारे यहाँ से होकर गुजरा था। तो बुरहानपुर के अलावा खंडवा और आपका हरदा, होशंगाबाद, ये सारे इलाके भी इसकी चपेट में आए थे। इस दौरान यहाँ पर तेज़ बारिश हुई थी और बहुत तेज़ आंधियाँ भी चली थी। तो बुरहानपुर में चूंकि केले की फसल होती है, केले की फसल काफ़ी ऊंची जाती है और तेज़ हवा के अगर झोंके आते हैं तो वो टूट भी जल्दी जाती है। तो बुरहानपुर में निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। वहाँ पर खड़े खड़े पूरे के पूरे केले के खेत बर्बाद हो गए थे। हालांकि बाकी जगहों पर भी उतना उसका असर पड़ा था, लेकिन उतना असर नहीं था। आर्थिक रूप से ज़्यादा हानि बुरहानपुर को हुई थी। तो कोरोना के साथ साथ में प्राकृतिक आपदाएं भी लगातार चलती रही, खंडवा जिले ने झेली है। जी जी जी। अब जुलाई का महीना आता है, 1 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के मौके को देखते हुए खंडवा जिले की सीमाएं सील कर दी गई थी, तो आवागमन का सारे रास्ते बंद हो गए थे जो यहाँ पर दादाजी के यहाँ पर पहुँचते हैं। हालांकि उस समय भी खंडवा में लॉकडाउन लगा हुआ था, लगभग लॉकडाउन की स्थिति थी। और चूंकि गुरु पूर्णिमा पे हर साल खंडवा में लगभग 5 लाख लोग इकट्ठे होते हैं, अगर प्रशासन ये निर्णय ना लेता कि वहाँ पर दर्शन की अनुमति नहीं होगी तो स्थिति बहुत विकराल हो सकती थी। चूँकि ज़्यादातर लोग यहाँ पर महाराष्ट्र से आते हैं गुरु पूर्णिमा पर महाराष्ट्र से पैदल आने वाले भक्तों की संख्या ही करीब 50,000 होती है जी। और ये लोग एक महीना पहले से अपने घरों से निकलते हैं ताकि वो खंडवा पहुंच सके। लेकिन महाराष्ट्र में उस समय संक्रमण अपने चरम पर था। महाराष्ट्र में कहीं से भी लॉकडाउन नहीं हटाया गया था, लगातार वहाँ में मरीज बढ़ रहे थे। उसी को दृष्टिगत रखते हुए खंडवा में भी, मतलब न सिर्फ दुनिया वाले दादाजी की बात करें हम, ओंकारेश्वर में भी प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया था। बहुत दिनों तक के उसको बंद रखा गया था मंदिर को। हालांकि प्रशासन ने ये सारे कदम जो सुरक्षा के तौर पर उठाए थे और वो काफ़ी उसमें सफल भी रहे, इसका परिणाम है कि आज हम एक सामान्य स्थिति में हैं। इस संकट के दौर में जो दादाजी के भक्त थे उन्होंने भी काफ़ी संयम दिखाया, अपनी श्रद्धा और आस्था को। हालांकि ये सूचना काफ़ी तेज़ी से प्रसारित कर दी गई थी कि इस बार खंडवा में गुरु पूर्णिमा का मेला नहीं लगेगा, बावजूद इसके कुछ लोग यहाँ आ गए थे। लेकिन अगर लोग आ गए थे तो उन्होंने बाहर से ही दर्शन करके दादाजी का आशीर्वाद लेकर के यहाँ से चले गए। ये इतने सालों से गुरु पूर्णिमा का मेला यहाँ पे लगते आया है और बड़ी संख्या में लाखों की तादाद में यहाँ पे गुरु भक्त आते हैं, तो 4 जुलाई को जब गुरु पूर्णिमा का मौका था तो यहाँ पर पहली बार देखने में आया कि 26,000 लोग ऑनलाइन गुरु जी की आरती में, दादाजी के आरती में जुड़े थे। दादाजी के भक्त तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और वो लगातार, जैसे जो लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं वैसे भी आम दिनों में भी, वो क्योंकि जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट लाइव आरती चलाता है, लाइव दर्शन कराता है, तो उससे लगातार भक्त जुड़े हुए रहते हैं। दादाजी के प्रति जो लोगों में आदर का भाव है, उनके प्रति जो सम्मान है, उनके प्रति जो श्रद्धा है, वो इसे अभिव्यक्त होती है। जी जी, चलिए ये तो अब यहाँ तक की बात हो गई। अब थोड़ी चर्चा अपन खंडवा के आपराधिक पृष्ठभूमि पे कर लें। जी जी जी। खंडवा के मतलब एक 10 अगस्त को एक धनराज हत्याकांड हुआ था खंडवा में, 22 दिन में 2 हत्याएं हो गई थी उस समय। ये
खंडवा का दुर्भाग्य भी कहूँगा और सौभाग्य भी कहूँगा मैम। पहले यह होता था कि मामूली सी बातों पर खंडवा में दुकानें बंद हो जाती थी, दंगे हो जाते थे और दो पक्ष आमने सामने हो जाते थे। ये ऐसा पहला मौका है कि लगातार कुछ असामाजिक तत्वों ने यह प्रयास किया कि खंडवा को दंगे की आग में झोंका जाए। तो एक पहले एक घटना हुई हापला दीपला में हुई, वहाँ पर आमने सामने दो पक्ष भिड़े, वहाँ पर एक युवक की मौत हुई। बाद में खंडवा में एक ट्रक ड्राइवर की मौत हुई। फिर यह बताया, ऐसा मतलब माना यह गया, पुलिस ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन माना यह गया कि ये जो ट्रक ड्राइवर की हत्या थी ये उस हत्या के विरोध में हुई थी। जब ये हत्या हो गई तो इसके कुछ ही दिन बाद एक और हत्या हुई, तो उसमें यह माना गया कि वो जो पिछली वाली घटना थी ड्राइवर की जो हत्या हुई थी उसके बदले में ये हत्या हुई। हालांकि ये सिलसिला लगातार चलता रहा। खंडवा जिले में चार मौतें हुई, लेकिन खंडवा की जनता धन्य है, खंडवा का प्रशासन धन्य है। खंडवा में जो जिस उद्देश्य से ये घटनाओं को अंजाम दिया गया था वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। आपराधिक दृष्टि से देखा जाए तो क्या रेशो यहाँ पर हत्याओं का ज़्यादा है या फिर क्या? खंडवा में हत्याओं का रेशो तो ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत शांत जगह, बहुत शांत जिला माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जैसे ये जो हत्याएं हुई ये लगातार एक के बाद एक, हालांकि इसके अंदर तीन हत्याएं उसमें मानी गई हैं, एक हत्या तो दुर्घटना के तहत हुई थी। तो खंडवा आज भी उतना ही शांत है, उतना ही शांति फिर रहे, यहाँ के लोगों ने एक बार फिर इस बात को साबित किया है। और इसी दौरान जब बारिश का क्रम भी लगातार चलते रहा था, बारिश का क्रम लगातार चलता रहा, इस बार जो बारिश हुई तो बारिश में मोरटक्का का पुल लगभग 10 दिन तक के बंद रहा, 10 दिन नहीं लगभग 20 दिन तक के बंद रहा। पहले तो 3 दिन उसके ऊपर पानी रहा, बाद में उसका पूरा पुल लगभग क्षतिग्रस्त हो गया था, उसको सुधारा गया, उस सुधार कार्य में करीब 15 दिन का समय लगा। इसी तरह जो नर्मदा पुनासा में जो इंदिरा सागर का डैम है उसके पास में एक पुल बना हुआ है, वो भी क्षतिग्रस्त हो गया था। जब उसकी जांच की गई तो वहाँ से भी भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। भोपाल जाने के लिए वो एक बहुत सरल और सुगम रास्ता था। बारिश में चूँकि यहाँ तो उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई, लेकिन ऊपरी इलाकों में जो पानी आता है वो सबसे पहले आता है इंदिरा सागर में, इंदिरा सागर के बाद ओंकारेश्वर में, ओंकारेश्वर से होता हुआ महेश्वर और इस तरफ जाता है पानी। तो ये जो पानी लगातार छोड़ा जा रहा था इससे ओंकारेश्वर में भी काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी दिनों तक के वहाँ पे नावें बंद रही। नावें हालांकि उससे पहले भी बंद थी कोरोना के चलते, लेकिन बाद में बाढ़ की वजह से नावें बंद रही। इस तरह हालांकि जान माल का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आवागमन बहुत ज़्यादा समय तक प्रभावित रहा। ये बारिश के दौरान अभी जब से इंदिरा सागर बांध बना है उसके बाद में मोटका का पुल हमेशा बंद रहता है या पुल पर ज़्यादा पानी नहीं? हमेशा नहीं बंद रहता है, 2-3 साल में एक बार ऐसी स्थिति बनती है कि मोटका का पुल बंद होता है। और चूंकि उसकी जब क्षमता से अधिक पानी बांध में आ जाता है तो उसको छोड़ा जाना भी आवश्यक हो जाता है। अगर ये पानी बाद में ना रोके, बाद में ना छोड़े, तो हो सकता है कि पहले ही ये पानी बह करके निकल जाता और बहुत जगहों पे तबाही मचा देता। बादों ने पानी को रोक करके रखा है, संभाल के रखा है। ये पानी पूरे साल भर पूरे मध्य प्रदेश के काम आता है, बिजली बनती है, किसानों को खेती के लिए पानी मिलता है, मतलब बहुत सारे फायदे हैं उसके, हम एक आध नुकसान को नहीं देख सकते। तो ऐसा आपको इंदिरा सागर बांध बनने के बाद में अब ऐसा ये आवश्यकता महसूस नहीं होती कि मोटका का जो पुल है उसकी ऊंचाई को थोड़ा सा बढ़ाया जाए ताकि जो? हाँ, ये तो प्लान में है, ये प्लान में है। जो अभी 4 लेन हो रहा है इंदौर इच्छापुर मार्ग, उसके अंदर एक नया ब्रिज प्रस्तावित है और वो 4 लेन के हिसाब से ही बनेगा और वो इसे काफ़ी ऊंचा होगा ताकि ज़्यादा स्थिति में पानी जब खतरे के निशान से ऊपर हो तब भी वहाँ से आवागमन सुगम रहे सके। जी जी। अब 8 सितंबर को एक घटना हुई थी खंडवा में, खंडवा में वन विभाग के अमले पे हमला हो गया था, वो खंडवा क्या था? खंडवा में, खंडवा के पास सिंगोट में ये घटना हुई थी। हालांकि इससे पहले बुरहानपुर में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है। बुरहानपुर में लगातार जो अतिक्रमणकारी है और वनकर्मी है उन लोगों के बीच में मुठभेड़ होती रहती है, लगभग मुठभेड़ की स्थिति है वहाँ पर। वो चलाते हैं आपके गोफन फेंकते हैं वो इनके ऊपर और यह हवा में फायर करते हैं। दोनों के बीच स्थितियाँ 2500 बार ऐसी बनी है कि बहुत तनावपूर्ण माहौल हो गया, कई बार कई वनकर्मी घायल हुए हैं। खंडवा के पास सिंगोट में भी यह घटना हुई थी, हालांकि बाद में प्रशासन ने उस पर काबू पा लिया था। लेकिन सिंगोट के पास सागौन के पेड़ कटने की बड़ी संख्या में जानकारी थी, इसको लेकर के कुछ वनकर्मी निलंबित भी हुए थे। जी जी।
वन विभाग का जो मसला है, ऐसे मतलब जानकारी मिलती है, हाँ, मिलती रही है कि वो जो अमला जब किसी कार्रवाई पे जाता है तो वो साधन उतने उनके पास में होते नहीं हैं। असल में साधन तो होते हैं उनके पास, लेकिन सीधे गोली चलाने या लाठी चलाने के उनके पास आदेश नहीं होते हैं, चूँकि वो सीधे देखते ही किसी को मार नहीं सकते हैं। वो तब तक जब तक उनकी प्रतिक्रिया होती है तब इन्हें समझ में आता है कि इन लोगों के विरुद्ध हमको कार्रवाई करना है जी। तो ऐसा कई बार होता है कि इसमें फिर वनकर्मी पिछड़ जाते हैं और घायल होकर के लौटना पड़ता है। अब बात करते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक ये कोरोना का असर रहा और इस दौरान काफ़ी राजनीतिक उठापटक भी हुई, सरकारें गिरी बिगड़ी बनी, फिर उसके बाद में फिर उपचुनाव का दौर शुरू हुआ। उपचुनाव में 10 नवंबर को जो परिणाम घोषित हुए उसमें मानदाता से नारायण पटेल फिर से विधायक चुने गए और बुरा अपने ये नेपानगर से सुमित्रा काजदेकर जी। मध्य प्रदेश में जो 28 जगह उपचुनाव हुए उनमें एक विधानसभा खंडवा की थी और एक बुरहानपुर की थी जी। तो ये दोनों सीटें इसलिए रिक्त हुई थी कि खंडवा के जो मानदाता विधानसभा के विधायक थे नारायण पटेल, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर के भाजपा ज्वाइन कर ली थी। यही स्थिति काजदेकर के साथ भी थी, काजदेकर ने उनसे पहले हालांकि काजदेकर ने भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। तो अब चूंकि दोनों ने पार्टी बदल ली थी इसलिए दोनों को विधायक पद से भी इस्तीफा देना था, दोनों का इस्तीफा हुआ, उसके बाद फिर से चुनाव हुआ, उन्होंने अपनी दम पर वापस उन चुनाव को जीता। हालांकि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण थे और इसके अंदर लगभग पूरी सरकार जुटी हुई थी और सरकार ने अपने अनुरूप परिणाम भी लेकर के आई। ये तो निश्चित तौर पर होना ही था। अब बात करें दिसंबर का महीना हादसों के लिए जाना जाएगा, बहुत हादसे हुए हैं, सड़क हादसे काफी हुए हैं। ऐसे ही एक घटना हुई थी 4 दिसंबर को महलू के पास 4 दिसंबर को नहीं 3 दिसंबर को ये घटना हुई थी। और ये एक बारात जा रही थी ट्रैक्टर में सवार होकर के, तो एक पुलिया के पास ट्रैक्टर पलट गया और जो उसके अंदर बाराती बैठे हुए थे वो सिर के बल नीचे गिरे पुलिया के नीचे। तो ऐसे में 6 लोगों की मौत हुई थी और ये बड़ी हृदय विदारक घटना थी। इसके दूसरे दिन वो जो महलू जहाँ से ये बारात आई थी दूसरा गाँव था वहाँ पर एक साथ 5 अर्थियाँ उठी थी, एक अन्य जिले की महिला थी उसमें, तो वो हरदा मतलब होशंगाबाद जिले की थी, तो उनकी अर्थी वहाँ से उठी, लेकिन एक ही गांव से यहाँ से 5 अर्थियाँ उठी थी। ये सबसे दिल दुखा देने वाली और विचलित कर देने वाली घटना थी। इसके अलावा इसी दौरान वहाँ पर एक और हादसा हुआ था, एक डंपर ने एक बाइक सवार को कूच दिया था जिसके ऊपर 3 लोग सवार थे, हालांकि बाइक सवार तो बच गया था लेकिन उसके अंदर पीछे बैठी हुई एक बुजुर्ग महिला और एक युवती दोनों की बहुत दर्दनाक मौत हुई थी। इनकी मौत इतनी दर्दनाक थी कि इनके शरीर के हिस्से ही नहीं बचे थे, कुछ कुछ टुकड़े मिले थे जिन्हें बाद में सबमिट करके अंतिम संस्कार किया गया। ये वाली जो घटना है ये तो काफी मतलब वो रही, इसके अलावा भी और भी घटनाएं, 6 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया था, उन्होंने मरने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की थी। दिसंबर में ही लगभग 15 दिसंबर से फिर अपने हनुमंतिया टापू पे जो हुआ है, हाँ, तो जल महोत्सव शुरू हुआ। कोरोना काल के बाद कोई अगर बड़ा उत्सव खंडवा जिले में हो रहा है तो वो है जल महोत्सव। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इसमें बहुत सक्रिय रहते हैं, वो इससे बहुत जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस बार भी इसे टालना उचित नहीं समझा, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग और सारी चीज़ों के साथ में वहाँ पर जल उत्सव आयोजित किया जा रहा है। 1 महीने तक चलना है इस जल उत्सव को, तो इस जल उत्सव का आनंद आप भी ले सकते हैं। नए साल की शुरुआत आप एक अच्छे माहौल में कर सकते हैं, आप वहाँ पर हर तरह की मनोरंजन के साधनों का उपयोग कर सकते हैं, आप हवा से भी समुद्र को देख सकते हैं, आप बोटिंग कर सकते हैं, आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए वहाँ पर उपलब्ध रहेगी जी। हाँ आसिफ जी, मैं अब चूँकि दिसंबर तक की बात हो गई है, आज 31 दिसंबर है जी, साल का अंतिम दिन है, कुछ ही घंटे बाकी हैं, नया साल आ जाएगा 2021 का, हम स्वागत करने के लिए बैठे हैं पूरी मतलब सभी खंडवा जिले वासी और सभी प्रदेशवासी बैठे हुए हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि नए साल को आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या उम्मीदें हैं नए साल से, थोड़ा सा
हमारी देखिए, जनता को बताएंगे? हर साल नए साल से सभी को बहुत उम्मीदें होती हैं। पिछले साल जब 2019 गुजरा था, तब भी ये लगा था कि 2020 बहुत खुशगवार होने वाला है, लेकिन 2 महीने बाद ही इन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। पूरा साल लगभग लॉकडाउन में बीत गया, कोरोना में बीत गया, रोज़गार चौपट हो गए, लोगों की नौकरियां चली गई। तो ईश्वर से यही कामना है सभी लोगों की कि नया साल खुशियां लेकर के आए, कोरोना की जो वैक्सीन है वो लेकर के आए, कोरोना बीमारी को दूर भगाए और तमाम तरह की खुशियाँ हमारे सभी दर्शकों को मिलती रहे। इसी उम्मीद के साथ हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि नए साल को नए जोश के साथ हमारे साथ भेजें। मैं एक बात और इसमें थोड़ा सा जी जोड़ना चाहूँगा मेरी तरफ से। जैसे आज ही एक खबर आई है कि नए साल जो आ रहा है, और नए साल के एक दिन पहले ये जी खबर है कि जो कोरोना का नया स्ट्रेन आया है उसमें अभी 20 संक्रमित हमारे देश में पाए गए हालांकि हैं। उसके अंदर ये वो जरूर थोड़ा कहा गया चिंता है, का माहौल है जो उससे नया भी। स्ट्रेन जो आया है ये उतना खतरनाक नहीं है जितना पिछला वाला खतरनाक था, लेकिन इसके बढ़ने की जो क्षमता है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। हालांकि उससे मौतों का अभी फिलहाल जो वैज्ञानिकों का कहना है कि मौतों का भी उससे उतना बड़ा आंकड़ा नहीं आने वाला है उससे सामने, बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाते हैं लेकिन उससे ज़्यादा लोग प्रभावित हो सकते हैं। तो हम आप सभी लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि आप अपनी सुरक्षा के साथ रहें, घर से निकलें तो मास्क लगा कर निकलें, हर वक्त हाथ सैनिटाइज करते रहें, हाथ लगातार धोते रहें, हम एक दूसरे से मिलें तो कम से कम 1 मीटर की 1.5 मीटर की दूरी बना करके रखें, और खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज चर्चा में काफ़ी नई जानकारी दर्शकों को मिली है। जी हम फिर मिलते हैं एक नए कार्यक्रम में। तब तक तब तक के नमस्कार। लिए नमस्कार।